डिवीजन में अभी चल रहा है, डिवीजन में मैं बता रहा हूँ आपको ब्लॉक में क्वेश्चन नंबर टू का डी। क्वेश्चन नंबर टू के डी है 231 प्लस माइनस 104 इक्वल टू माइनस 104 प्लस 231। तो इसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेलिटी एंड स्टेट विच प्रॉपर्टी अप्लाई। इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी इसको 231 प्लस माइनस 104। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, हमें नेगेटिव साइन को इसमें प्लस करना है, यानी तो ये 231 और ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो गया और ये 104। और इधर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो 200 इसको एक बार और लिख लो, नहीं तो माइनस 104 प्लस 231। अब 231 में से 104 को माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया तो 7 और 2 में से 0 गया तो 2 हो गया और 2 में से 1 गया तो 1, दैट मींस 127 इक्वल टू, और इधर भी वही हो जाएगा, तो 127। अब यहाँ ये जो नंबर्स है, नंबर्स हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसमें ये समझाया गया है कि आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन साइन चेंज नहीं होना चाहिए। उसका जो सिंप्लीफिकेशन है, यानी उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही होता है। कहने दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि यदि हम माइनस 7 प्लस 5 करेंगे, ठीक है ना, या इसका आंसर और 5 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 7, इसका आंसर एक ही होता है, ठीक है ना। यदि आप किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में लिखो, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए। यदि साइन चेंज होगा तब नंबर इसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है, ठीक है ना। और फिर आपको क्वेश्चन में ये भी बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रहा है। इसमें जो है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी इंटीजर है ए और बी, तो a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए, ठीक है। कहने का मतलब इसमें यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि आप इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लिखो, चाहे जैसे माइनस 104 है, इसको आप इधर लिखो, लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, 3 का ए, इसमें माइनस 57 मल्टीप्लाई माइनस 18 मल्टीप्लाई 12। तो इसमें हमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी का यूज हम क्या करेंगे, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले इन दोनों को करेंगे, या पहले इन दोनों को करेंगे। तो यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं माइनस 57 मल्टीप्लाई माइनस 18 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। पहले यदि आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देना है, यदि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। और इसको माइनस 18 और 12 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको माइनस 57 में मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स कि 18 मल्टीप्लाई 12। और 216 को 57 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस जो भी आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। तो वही इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। तो अब आपका
आपका जो इसमें आया क्वेश्चन, तुम लोग कर दो, तुम ये जो है ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का इफ 28 टाइम्स, ये जो बच्चे नहीं समझ पा रहा कौन सा क्वेश्चन है देख लेना, पेज नंबर 20 पे है 17 क्वेश्चन। इफ 28 टाइम्स ऑन इंटीजर इज माइनस 448, व्हाट इज द इंटीजर? दैट मींस इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई इंटीजर है, मान लेते हैं हम इंटीजर है x, लेट द इंटीजर x, कोई इंटीजर है, उसको जब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब 28 से मल्टीप्लाई किया गया, 28 टाइम्स मतलब 28 से जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट जो आ रहा है वो -448 आ रहा है, ठीक है। कोई इंटीजर है जब उसको 28 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर -448 आ रहा है। तो कह रहा कि ये जो इंटीजर है वो क्या है, x का हमें वैल्यू फाइंड करना है। 28 multiply x equal to -448 है, that means कि x equal to हो गया -448 upon 28, ठीक है। अब जब आप इसको divide करोगे, काटना चाहो तो काट सकते हो, 4 के table से ये कट जाएगा 1 1 4, और ये कट जाएगा 7 1, सॉरी 1 1 2, 1 1 2, 4 की टेबल से आप जब काटोगे इसको 1 1 2 हो गया और यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब फिर आपको इसमें 7 से ये देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 7 का हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 16 बार में, ठीक है, यानी कि -16, यानी कि ऐसा इंटीजर जिसको कि 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -448 आएगा, वो इंटीजर है -16, ठीक है। तो इस तरह से यानी जैसे हम नंबर फाइंड करते हैं, पाने के लिए मतलब क्या, जैसे पूछेगा यदि आपको इस क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि -35 आ जाएगा, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, -7 होगा, ठीक है। ये -7 कैसे फाइंड करेंगे, तो -35 में 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा वही उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो अभी मैंने एक आपको है रिकॉर्ड, ये जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 का ए, -57 मल्टीप्लाई -18 मल्टीप्लाई 12, तो इसमें एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे -18 मल्टीप्लाई 12, तो -18 मल्टीप्लाई 12 पहले यहाँ पे लिखा था मैंने 216, तो 216 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक जो इंटीजर वो निगेटिव है, इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि -57 को मल्टीप्लाई करना है -216 से, तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, 216 को 57 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 मैं समझा ही दिया आप लोगों को, इसमें करा कि दो इंटीजर है उसका जो है, जब हम उसमें से एक इंटीजर है 28, तो 28 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि -448 होगा, तो 28 मान लेंगे इंटीजर है x, तो 28 मल्टीप्लाई x इक्वल टू -448 और x इक्वल टू -448 अपॉन 28, अब 448 में 28 से डिवाइड किया तो 16 आया, और यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे -16 हो गया। In a 114 story building, its floor is 5 meter high. If a lift moves 3 meter every second, how long will it take to move from the
पहले हम ये देखेंगे कि 46 से 106 फ्लोर पर जाने में कितने फ्लोर ऊपर जाएगा लिफ्ट, ठीक है, ये समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये देखना है कि लिफ्ट को यहाँ पे कैसे लिफ्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है 46 नंबर का फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पे है आपको 100 हॉल ऑफ 106 फ्लोर है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मान लो कि यहाँ पे 47 है, यहाँ 48 है, तो एक फ्लोर पे जाने में उसको लगता है एक फ्लोर जो है 3 मीटर लंबा है, एक फ्लोर जो है तो 3 मीटर लंबा है, और 3 मीटर जाने के लिए दीपाली को 3 मीटर एवरी सेकेंड 1 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। यदि उसको 3 मीटर जाने में 3 मीटर जाने में लगता है 1 सेकेंड, ठीक है, और ये एक फ्लोर का जो हाइट है वो है 5 मीटर। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 46 से 106 फ्लोर तक जाने में उसको कितना मीटर कवर करना है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 46 से 106 फ्लोर तक कितना फ्लोर हुआ। तो 46 से 106 फ्लोर तक, 46 से लेकर के और 106 फ्लोर तक हो गया आपको 106 में से 46 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो गया आपको 60 फ्लोर, ठीक है, 60 फ्लोर। अब डिस्टेंस कितना हुआ, 60 × 3 5, क्योंकि एक फ्लोर जो है वो 5 मीटर की हाइट की है, 60 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो गया, ठीक है, इतना हाइट उसको ऊपर जाना है। अब एक 3 मीटर जाने में लिफ्ट को 1 सेकंड लगता है, तो क्या करेंगे, 300 में जो है 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 सेकंड उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 100 सेकंड, ठीक है। Yes, sir.